कर्नाटक राज्योत्सव दिवस कार्यक्रम आज कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जुड़वा शहर में सिद्धरूठ मठ से नेहरू मैदान तक जुलूस के साथ आयोजित किया गया। आज का विषय कन्नड़ के लिए नंबर। आपको बता दें नवंबर एक विशेष महीना, इस वर्ष हम 69वां कन्नड़ राज्योत्सव मनाने जा रहे हैं। छात्रों को दिन के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में भाषण निबंध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार द्वारा कोटि कंठगान नामक एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिलहाल हम इस साल 69वां कन्नड़ राज्योत्सव मना रहे हैं। कर्नाटक राज्य का पूर्व जो नाम है वो मैसूर राज्य था। 1905 में कर्नाटक एकीकरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1950 में भारत एक गणतंत्र बन गया। बाद में किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ, जो हर जगह बिखरी हुई थी। कन्नड़ भाषी क्षेत्र शामिल हो गए। मैसूर राज्य का उदय हुआ। 1 नवंबर 1956 को मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद प्रांतों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मैसूर राज्य बनाने के लिए विलय कर दिया गया और नवगठित मैसूर राज्य को 3 क्षेत्रों अर्थात उत्तरी कर्नाटक, मालेनाडु और पुराने मैसूर में मान्यता दे दी गई। अब आपको भी बता दें कि कर्नाटक नाम कैसे पड़ा। हमारे कर्नाटक को कन्नड़, नाडू, करुणाडू, आपको बता दें करुणाडू श्री गंधा नाडू के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं। ऐसा कहा जाता है कि कारू और नाडू करुणाडू शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ है उच्च भूमि। यदि कारू का अर्थ काला और नाडू का अर्थ क्षेत्र है, तो यह कहा जाता है कि यह नाम मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी से लिया गया है। कर्नाटक या कर्नाटक नाम ब्रिटिश काल के दौरान कृष्णा नदी के दक्षिण में दोनों ओर बाढ़ आने के कारण प्रयोग में आया है। कन्नड़ सेनानी एवं राममूर्ति ने पीले और लाल रंगों का उपयोग करके कन्नड़ ध्वज तैयार किया। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, पीला रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। ये कन्नदाम्भे भुवनेश्वरी की हल्दी कुमकुम का प्रतीक है, ये तो पता चल गया। हुबली कर्नाटक से संवाददाता यूसुफ एन व्यापारी। नमस्ते, वंदे भारत में आपका स्वागत है। हुबली कर्नाटक से यहाँ पे आज कर्नाटक राज्योत्सव बनाया गया। कर्नाटक राज्योत्सव के दिन यहाँ पे बहुत ही संविधान और प्राथमिक से मनाया जाता है और प्यार और मोहब्बत से सभी जात पात प्रेम धर्म से मनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पे हुबली कर्नाटक के हुबली शहर में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शानदार सा जुलूस निकला, जो कन्नड़ अभिमानी माना जाता है, मतलब के कन्नड़ के एक फैंस माना जाते हैं और कन्नड़ भाषा को यहाँ पे कायम रखना चाहते हैं। रखने के लिए उन्होंने आज बहुत ही अच्छी से बात की और उसके साथ में यहाँ पे जो जुलूस निकला उसका भी एक आपको एक नज़ारा इस वीडियो में हम दिखा देंगे। चलिए नज़ारा देखते हैं। धन्यवाद। जो हमारे जो आज कर्नाटक नाम पर बन कर्नाटक एकीकरण का दिन है। हम लोग दीपावली के साथ साथ कर्नाटक एकीकरण का 50वां सालगिरह या स्वर्ण महोत्सव आज मना रहे हैं। आज कर्नाटक में जो जितने 3000 जात है, 6000 भाषा कर्नाटक में भी है, जो इतने सभी भाषा और इतने सभी जात वाले सभी मिलके भी आज कर्नाटक के एकीकरण का स्वर्ण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज हम ये मांग केंद्र सरकार से करना चाहते हैं, कर्नाटक के जो कन्नड़ भाषा प्राधिकार है वो पिछले ही सरकार के संदर्भ में जो उसको शास्त्रीय स्थान मान दिया गया था, लेकिन शास्त्रीय स्थान मान केंद्र सरकार से दिया गया, लेकिन शास्त्रीय स्थान मान का जो भी सौलभ्य है वो सौलभ्य आज तक भी पूरा नहीं किया गया है। आज हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, कर्नाटक के जो 50वें सालगिरह है, स्वर्ण महोत्सव है, कर्नाटक एकीकरण का दिन है, शास्त्रीय स्थान मान के सभी स्थान मान और सौलभ्य एक कन्नड़ भाषा प्राधिकार को दिया जाए, ये हमारी मांग है। सब लोगों को, देशवासियों को कन्नड़ राज्योत्सव का शुभाशय हम इस बारे में।